पीएम को मेल भेजे धमकी देने वाले ने दिल्ली सीएम को भी दी धमकी। गुजरात एटीएस ने दबोचा पीएम नरेंद्र मोदी को मेल पर धमकी भेजने वाले शहर के आदर्श नगर निवासी अमन सक्सेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी धमकी भरा मेल भेजा था। शनिवार को मामले की जांच पड़ताल करने पहुंची दिल्ली पुलिस ने अमन के माता पिता से पूछताछ की। गुजरात एटीएस द्वारा उसे पकड़ ले जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम लौट गयी। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के मोहल्ला अमन सक्सेना को 28 नवम्बर को गुजरात एटीएस ने उठाया था। वह उसे पकड़ कर गुजरात ले गए थे जहां पूछताछ में उसने कबूल किया था। उसने राजकुमार छरेलिया नाम की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर पीएम की जामनगर में होने वाली रैली के दौरान उन पर हमला करने की धमकी दी थी। उसने ईमेल में तान्या नाम की लड़की का जिक्र किया था। गुजरात एटीएस की पूछताछ में सामने आया था कि उसने पीएम के अलावा अन्य कई राजनीतिक दल के नेताओं को धमकी दी और सचिवालय आदि में विस्फोट करने की जानकारी दी थी। फिलहाल गुजरात एटीएस ने उसे जेल भेज दिया था। इसी बीच शनिवार को दिल्ली पुलिस के तीनों पुलिस कर्मियों की टीम शहर पहुंची। उन्होंने सिविल लाइन्स पुलिस से संपर्क कर जैसे ही इस मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने गुजरात एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम अमन के घर पहुंची जहां पूछताछ की। बाद में उनके स्वजन को थाने भी बुलाया गया। जांच पड़ताल करने के साथ ही गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई आमद संबंधित कुछ कागजात लेकर टीम लौट गई। इस संबंध में सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस अमन को ढूंढने ही आई थी। उसने दिल्ली सीएम को भी मेल पर धमकी दी थी। जानकारी लेने के बाद टीम लौट गई है।